लिफ्ट तो दी भाई ने, नाश्ता भी खिलाया है, चाय भी पिलाया है। और यहाँ पे जो चीज़ें फेमस है जैसा बिजीलैंड, सिटीलैंड और ड्रीमलैंड, तीनों चीज़ें दिखाया भी और मैंने वीडियो भी शूट किया उसका। तो भाई का दिल बहुत बड़ा है, ऐटो चलाता है सलमान का। भाई मैं सोचा था कि खाली मुझे लिफ्ट ही मिलेगी, नाश्ता करना पड़ेगा, अपने पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के चल रहे हैं अपन, ट्रैवलिंग भी बिना पैसे कर रहे हैं। और नाश्ता भैया ने, भैया की तरफ से स्पॉन्सर है, मगर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मेरी वाट लग गई, मेरी वाट लग गई टू व्हीलर पे। रास्ते में इन्होंने हमको लिफ्ट भी दी और यहाँ पे स्पॉन्सर नाश्ता भी खिला रही है, तर्री पोहा। 20 किलोमीटर का लिफ्ट मिल गया। भाई अभी 10 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट मिली है और ऐसा है कि ये चौथा महल है और यहाँ पे भाई बोल रहा था कि यार नाश्ता खिलाऊंगा यार। मैं बोला था ना ट्रैवलिंग का तो हो जाता है और कोई बंदे भी मिल जाते जो कि मन बड़ा करके नाश्ता खिलाते, चाय पिलाते, वैसे ही। तो भाई आज का जो स्पॉन्सर है आज का नाश्ता, सर के तरफ से क्या नाम है सर आपका? बोलना विनोद भैया। रास्ते में इन्होंने हमको लिफ्ट भी दी और यहाँ पे स्पॉन्सर नाश्ता भी खिला रही है, तर्री पोहा। तो भैया थैंक यू। भाई मैं सोचा था कि खाली मुझे लिफ्ट ही मिलेगी, नाश्ता करना पड़ेगा, अपने पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के चल रहे हैं अपन, ट्रैवलिंग भी बिना पैसे कर रहे हैं। और नाश्ता भैया ने, भैया की तरफ से स्पॉन्सर है। बड़े दिल वाले लोग मिलते हैं। आज का नाश्ता भैया ने किया है, आज का स्पॉन्सर थे भैया, तो यहाँ तक लिफ्ट भी दी। तो अपना डेस्टिनेशन तो लंबा है तो यहाँ से निकलते हैं। तो भैया थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कहीं मिले तो। चलिए अभी नेक्स्ट राइड के लिए रेडी होंगे अभी। चलो एनीवे लिफ्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, फिर भी ट्राई करते रहेंगे अपन कि लिफ्ट मिल जाए, जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर है जो भी है, धीरे धीरे तो चलता ही है। और अपना डेस्टिनेशन तो बहुत लंबा है, इसकी वजह से पता नहीं है। नहीं रुकी तो धीरे धीरे पैदल भी चलना ज़रूरी है। अभी नाश्ता तो हो गया अपना, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी 1-2 बजे तक तो भूख लगना है नहीं। और भूख लगी भी तो देख लेंगे भैया। अमरावती रोड पे कहीं पे भी छोड़ दो, आप कहाँ तक जाओगे आप? हाँ कौन सा अमरावती जा रहे हो? तो वरधामना से लिफ्ट मिली, ये यहाँ पे तिवसा है, तो 70-75 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट मिली है। एक्चुअली वो बंदा अमरावती जाने वाला था मगर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मेरी वाट लग गई टू व्हीलर पे। तो यहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट का वेट करके यहाँ से फिर से एक लिफ्ट ले लेंगे अपन। आपने एक चीज़ देखा है क्या, सलमान खान का जो पिक्चर है याद नहीं आ रहा है, वो ऐटो चलाता है सलमान का, उसके जैसा मैं आपको ऐटो दिखाता हूँ अभी। एक्चुअली गाड़ी पे बैठे बैठे मैं आ रहा था तो खूब पास हुआ, मैंने बोला ना वो ऐटो मैं दिखाऊंगा, आ रहा है ऐटो। देखा ऐटो सलमान खान का कोई तो भी पिक्चर है मेरे को याद नहीं आ रहा है।
तो तीसा से अभी जाने का है, कहाँ जाने का है? अमरावती, अमरावती बाईपास, और अमरावती बाईपास से अकोला जाने का। चलो भाई, अभी तीसा से एक और एक लिफ्ट मिली भाई से, तो ये भी अपने को बाईपास तक छोड़ देगा, अमरावती बाईपास तक। तीसा से और एक लिफ्ट मिली भाई ने लिफ्ट। क्या नाम है आपका? विराज। विराज विराज भाई। और समोसा भी खिला रहे हैं भाई के तरफ से, स्पॉन्सर है समोसा। एक्चुअली यहाँ पे चाय नहीं ना, इसलिए चाय नहीं खिला रहे हैं। चलिए यहाँ से अमरावती में एंट्री करते हैं, ये टोल प्लाजा अमरावती का। तो यहाँ से थोड़े दूरी पे अपना बिजी लैंड है, बिजी लैंड में कपड़े वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी के लिए बहुत बढ़िया सा जगह है अमरावती बिजी लैंड। अमरावती प्रॉपर से पहले ही आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे बिजी लैंड है अमरावती प्रॉपर के पहले ही। तो आप देख सकते हैं ये बिजी लैंड शहर करके, ये अमरावती में पहले, ये भागलचंद जी बजाज मूर्ति द्वार करके ये। तो यहाँ पे थोड़ा जो कपड़ों का जो है ये सस्ते में मिलता है, नागपुर से सस्ता। तो आइए, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा शॉपिंग के लिए जगह है। तो यहाँ से निकलते और भी सामने में जगह है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिटी लैंड है इसके अपोजिट में, तो वहाँ पे भी शॉपिंग का बहुत बढ़िया सा जगह है। और इसके सामने में और एक जगह है वो ड्रीम लैंड करके। ड्रीमलैंड में है, भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है ड्रीमलैंड बहुत बढ़िया सा है। तीन जगह है, एक सिटी लैंड, ड्रीमलैंड और बिजी लैंड। तो ये देखिए मेरे पीछे, देखिए ड्रीमलैंड बिजनेस पार्क। तो ये भी ये तीसरा फेज है, जैसे मैंने सिटी लैंड, ड्रीमलैंड और बिजी लैंड करके बताया। तो ये भी जो शॉपिंग सेंटर है ये बहुत बढ़िया सा है। तो आप अमरावती रोड से आएंगे या अमरावती आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर रुक के शॉपिंग करिए। नांदगांव पेट एरिया ये, यहाँ से सामने में पाँच दो चार किलोमीटर पे अपना अमरावती है। तो यहाँ से अपने को शॉपिंग नहीं करनी है, तो अपन निकल ले अपना डेस्टिनेशन के लिए। और चलिए, भाई बोल रहा था कि यहाँ पे तीन जगह है ऐसी कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया सी जगह है, और लेडीज से लेके जेंट्स छोटे बच्चों को बहुत बढ़िया से कपड़े मिलते हैं, और बाकी जगहों से कम रेट में। तो चलिए अपना लीप वाला बोर्ड सामने में दिखाएंगे, ये अपना बाईपास पे भैया छोड़ देंगे अपने को। तीसा से भाई ने अपने को लीप दी, ये वड़ी नाका है अमरावती, अमरावती का जो बाईपास है जो अकोला के लिए निकलता है वो वाला, यानी कि कम से कम 25-30 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट दी। लिफ्ट तो दी भाई ने, नाश्ता भी खिलाया, चाय भी पिलाया। और यहाँ पे जो चीज़ें फेमस है जैसा बिजी लैंड, सिटी लैंड और ड्रीम लैंड, तीनों चीज़ें दिखाया भी, और मैंने वीडियो भी शूट किया उसका। तो भाई का दिल बहुत बड़ा है, और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई का एक बार नाम जान लेते, मैं भूल गया, विराज तपासे। तो ये जो पीछे दिख रहे हैं ना आपको, ये इनका गांव है वड़ई, वड़ई गांव ना, वड़ई नाका करके बोलते हैं। तो बहुत खूबसूरत है, पूरा ग्रीनरी के बीच में बसा हुआ है गांव, और ये अपना बाईपास।
तो अभी निकलते, इन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया लिफ्ट दी, तो यहाँ से अपन अपने भरोसे निकलते। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आते बाय। तो ठीक है, भाई से बाद में भी मुलाकात होती रहेगी। चलो भाई दी। और अभी अपन है आउटर पे, तो आउटर से अभी देखते हैं कि और लिफ्ट कहाँ तक मिलती है। अकोला तक मिलेगी तो बहुत बढ़िया है। अभी तो 12 बजे है, मैंने सोचा नहीं था कि 12 बजे तक अमरावती पहुँचूँगा, फिर भी पहुँच गए। तो तकलीफ़ वाला ही काम लगता है मुझे कि लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। ये आउटर है अमरावती के बाहर वाला एरिया जो अकोला की तरफ जाता है। मैं 12 बज गए, खाना वाना का कोई तकलीफ है नहीं, दो बार नाश्ता किया, दो बंदे ने खिलाया अपने को नाश्ता, तो देखते हैं कौन लिफ्ट देता है। तो अभी अकोला तक, अकोला तक, अकोला पास में कोई वही रोड पे। लिफ्ट मिली मगर अकोला नहीं जा रहे, देखते अभी कहाँ तक जाते हैं, अगर मना कर दिया। चलो कोई एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ तक जा रहे हैं आप? कहाँ जाना? मेरे को तो अकोला जाना है। आप कहाँ तक छोड़ सकते हैं आप? बढ़ने का बिल्कुल, यानी कि यही रोड पे ना? ठीक है। हाँ ये भाई थोड़ा छोटा सा, चलिए चलिए, थोड़ा सा लिफ्ट मिला है, चलिए चलते आ। एक छोटी सी लिफ्ट मिली अपने को, फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा छाव में रुके हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा वेट करते हैं 5-10 मिनट, तो डायरेक्ट मिल जाए अकोला के लिए तो बढ़िया हो जाएगा, देखते हैं। ये भी भाई मिले अपने को, मगर इनका रास्ता इधर है, अपना रास्ता इधर है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से 125 किलोमीटर या 150 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, तो देखते हैं आज का क्या प्लान है। क्या प्लान है कि यहाँ कितने टाइम में पहुँचेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। लोग इंटरेस्टेड है ये चीज़ के लिए, कोई कोई देख के निकल जाता है और कोई कोई रुकता है। ये सब उल्टे दिशा से आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे कोई रुकेगा ऐसा मुझे लग रहा है। 15-20 मिनट हो गए यार, कोई लिफ्ट नहीं मिल रही यार, समझ में नहीं आ रहा है कि कोई देगा कि नहीं देगा, कोई देगा कि नहीं देगा लिफ्ट, पता नहीं अभी। मला जायचं आहे अकोल्याला, पण तुम्ही सोडू शकता तो बदले रहा। चालेल चालेल चालेल, एक बढ़नेरा तक लिफ्ट मिली है। चलिए थैंक यू सर। बढ़नेरा रोड तक तो पहुंच गए अपन, अभी यहाँ से साधन मिलने का कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये आउटर है, आउटर रोड, तो यहाँ का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फोर व्हीलर या ट्रक का कुछ मिले, कोई रुकने में खाली नहीं है, वैसे ही टू व्हीलर का ही सहारा मिला अभी तक। फर्स्ट डे अपना, तो फर्स्ट डे में बहुत लोगों से रिस्पॉन्स भी मिला। लिफ्ट मिली थी अपने को, मगर वो अंकल की गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से अपने को बीच में उतार दिए। देख क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ यानी कि मीन्स डेंजर जोन है। तो भाई एक आखिरी मिली अपने को, गाड़ी मिली, थोड़ा सामने तक छोड़ देंगे भैया। थैंक यू भैया। फोर व्हीलर वाले भैया ने मुझे छोड़ दी थी। यहाँ का डिस्टिनेशन मुझे पता नहीं है कहाँ क्या है, फिर भी मैं रुका हूँ यहाँ पे, गाड़ियाँ स्लो होती है इसके वजह से, देखते हैं।